पूरे देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है। एयर इंडिया बिच गया, रेल बिच गया, सेल बिच गया, भेल बिच गया, LIC बेच दिया। महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल डीजल गैस। तो हम लोग तो सवाल पूछेंगे। उन्होंने कहा था बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, पूरी तरीके से बिहार के साथ केंद्र सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, कैसे चुनी हुई सरकार को खरीद के डरा करके, विधायकों को तोड़ करके, महिला पहलवान वाली सब लोग न्याय मांग रही है जंतर बंतर में, और उनके साथ क्या किया जा रहा है, ये तो आँख खोलने वाला ना काम करता। कुछ लोग कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जितने भी देश भर में विपक्ष के नेता हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। आप बताइए, अगर हम लोग मुद्दे की बात करते हैं तो तरह तरह की बातें सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग करते हैं। कई एजेंसियां लगा दी जाती हैं आवाज़ को बंद करने में। जितने भी देश भर में विपक्ष के नेता हैं उनके साथ क्या किया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं। हम लोग किसी का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जिन लोगों ने वादा किया था कि 2022 तक जो है गरीबी मिटा देंगे, 2022 तक किसानों का आय दुगुना कर देंगे, हर साल 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, उन्होंने कहा था कि हर घर को पक्का मकान गरीबों को देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, पेट्रोल डीजल गैस। तो हम लोग तो सवाल पूछेंगे। आप बताइए, हम लोग जब सवाल पूछते हैं तो वो लोग कहते हैं कि जात की राजनीति कर रहे हैं। कौन सा ऐसा जात अछूता है आप हमको बताइए जो महंगाई या बेरोजगारी से पीड़ित ना हो? कौन सा ऐसा जात अछूता है? गरीबी बढ़ गई है, गरीबी से सब लोग पीड़ित है, चाहे कोई जात के हो कोई धर्म के हो। आज असल मुद्दा है गरीबी खत्म करो बेरोजगारी खत्म करो। इन लोगों ने कहा था बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, विशेष पैकेज देंगे, पूरी तरीके से बिहार के साथ केंद्र सरकार जो है सौतेला व्यवहार कर रही है। तो इसलिए हम सब लोग जो है गोलबंद हुए हैं, और बिहार की धरती 7 दलों का हमारा महागठबंधन है जिसका सरकार चल रहा है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा था, झारखंड में क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, कैसे चुनी हुई सरकार को खरीद के डरा करके, विधायकों को तोड़ करके, लोकतंत्र को कलंकित करने का काम जिन लोगों ने किया, संविधान के साथ जो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, आज ज़रूरी है कि आज हम सब लोगों को मिलकर के लोकतंत्र और संविधान को भी बचाने की ज़रूरत है। पूरे देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है। एयर इंडिया बिच गया, रेल बिच गया, सेल बिच गया, भेल बिच गया, LIC बेच दिया। जो चंद अमीर लोग हैं उनको बैंक के लोन दे देती हैं, अब वो लोन लेकर के विदेश फरार हो जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है उन पे। तो इसलिए जो लोग आवाज उठा रहा है उनको डराने का प्रयास किया जा रहा है। और इस दौर में करुणा जी ने इस पार्टी में ज्वाइन करने का निर्णय लिया और आज ज्वाइन किया तो मामूली बात नहीं है। IPS अधिकारी हैं, चीज़ों को समझते हैं, देखे हैं। तो इसलिए यहाँ पार्टी के सभी नेता हैं उपस्थित, सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और
11 बजे से ही सुनने में आया कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित थे, इसके लिए आपका भी दिखाता है कि प्रति करुणा जी के प्रति, पार्टी के प्रति आपकी क्या मंशा है। और जो करुणा जी ने कहा कि आप लोगों का साथ का ज़रूरत है, आप लोगों के आशीर्वाद का ज़रूरत है, तो आप लोगों का साथ और आशीर्वाद जो है इसी तरीके से हम लोगों को मिलता रहे, ताकि आप लोगों के लिए मिल करके आप सब लोगों के साथ बिहार और देश के गरीबों की सेवा में हम लोग लगे रहें। और बड़ी खुशी की बात है कि बड़ी संख्या में आज राष्ट्रीय जनता दल में महिलाएं भी जो है यहाँ दिख रही हैं। तो महिला हो, पुरुष हो, युवा हो या बच्चे या बुजुर्ग हो, आज जो देश में घोषित इमरजेंसी लागू है, जो लोग सत्ता पे काबू हैं, सभी लोगों को तंग करके रखा गया है। तो इसलिए आप तो देख ही रहे होंगे, महिला पहलवान वाली सब लोग न्याय मांग रही है जंतर बंतर में, और उनके साथ क्या किया जा रहा है ये तो आँख खोलने वाला ना काम करता। कुछ लोग कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या हो रहा है देश। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को तहे दिल से यहाँ हम स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। और करुणा जी को राष्ट्रीय जनता दल का गमछा जो है हम अपनी ओर से, पार्टी की ओर से और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष की ओर से उनको पहनाने का काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।